वहीं उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी फिर से सत्ता में वापस लौट आई और एक बार फिर सूबे की कमान पुष्कर सिंह धामी को ही सौंपी गई है। देहरादून में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह सहित कई प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शपथ समारोह में पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, साथ ही 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद मंगलौर कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशियां जाहिर की हैं। तस्वीरें आपके सामने। आज उत्तराखंड के लिए बहुत शुभ दिन है। आज हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के लिए शपथ ली है, उसके खुशी के इजहार में हम यहाँ सब नगर के कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रसाद वितरण में, हलवा वितरण में यहाँ प्रोग्राम रखा है, उसी के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। नगर के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। नैनीताल के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर 4000 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों पर बेदखली का खतरा बन गया है। कोर्ट ने डीएम नैनीताल और रेल विभाग से रिपोर्ट मांगी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा है कि पहले रेलवे की तरफ से दिए गए पत्र पर जिला प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, इस पत्र के आधार पर दोनों संयुक्त बैठक करें, जिला प्रशासन और रेलवे बोर्ड अतिक्रमण हटाने को लेकर निर्णय लें।